हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो ये पार्ट 3 है। इसके पहले मैं 2 पार्ट बना चुकी हूँ वीडियो के। तो इसमें मैं बताने वाली मैं जो मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं इस बार, और जो मेरे पास पहले से रखे हुए थे जो कि काफ़ी अच्छे हैं। मतलब काफ़ी टाइम तक ट्राई करने के बाद में मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यदि आप बिगनर्स हैं और आप अपनी मेकअप किट बनाना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट तो ज़रूर लीजिएगा आप। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो आप आई शेडो के लिए ब्रशेस वगैरह और भी मेकअप के लिए जो ब्रश रहते हैं ना, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हैं स्विस ब्यूटी के ब्रश हैं। तो इसमें आपको एक पाउडर ब्रश मिल जाएगा और एक आईब्रो फ्लर ब्रश मिल जाएगा। एक आई शेडो के लिए 2 ब्रशेस मिल जाएंगे और एक आई लाइनर के लिए आपको ये ब्रश मिल जाएगा। तो ये मैंने बहुत पहले मंगाया था, तो पहले मैं इसी को यूज़ करती थी, बिगनर्स थी उस टाइम पे। वैसे अभी भी बिगनर्स ही हूँ, ज़्यादा इतना कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन यदि आप एकदम स्टार्ट कर रहे हैं ना मेकअप करना, तो ये वाला आप ले सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट ब्रशेस हैं और काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं। तो इनका प्राइस है 300 रुपीज़। तो इस पर भी मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था, ऑनलाइन लिया था ये मैंने नायका इसे लिया था स्विस ब्यूटी के। गाइस, नेक्स्ट है ये मिनी सो के ब्रशेस जो कि मैंने अभी रिसेंटली लिए हैं। इनको मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, अभी करते करते कम से कम 4 मंथ हो चुके हैं। काफ़ी सॉफ्ट हैं और ये मुझे कम से कम पड़े थे 800 के समथिंग पड़े थे। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत सॉफ्ट हैं ये, बहुत सॉफ्ट। तो इसमें आपको ये हाइलाइटर ब्रश मिल जाएगा, ये फैन ब्रश भी बोलते हैं इसको, और ये आई शेडो के लिए ये लिटिल ब्रश रहेगा जो आपको आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करने के लिए, और ये भी आई शेडो ब्रश है। इसमें सबके नाम लिखे हुए हैं, इसमें ये शेडिंग ब्रश है और ये भी शेडिंग ब्रश है, और ये है क्रीज ब्रश, क्रीज पे अप्लाई करने के लिए। बहुत ये थोड़ा फ्लफी भी है और काफ़ी अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। और नेक्स्ट है ये आईब्रो ब्रश, और ये ब्लेंडिंग ब्रश है, ये टैपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश है, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा आपका आई शेडो इससे। और ये है पाउडर ब्रश, काफ़ी अच्छे ब्रशेस हैं, तो आप जरूर यही ब्रश लीजिएगा मेरी तरफ से। तो नेक्स्ट है ये मिक्सिंग पैलेट, और इसमें आप फाउंडेशन अगर मिक्स मैच करके या कुछ मिक्स मैच करना चाहते हैं तो इससे आप इस एप्लीकेटर्स की हेल्प से ऐसे ऐसे मिक्स कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है ये वेट इन वाइल्ड का हाइलाइटर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो मैंने अभी यही हाइलाइटर अप्लाई करा है, बहुत अमेजिंग टेक्सचर है इसका, रोज़ गोल्ड इसका कलर है। तो इसका शेड है प्रीसियस पेटल्स। तो मीडियम कलर के लिए, आपकी स्किन कलर यदि मीडियम है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है ये, और इसका प्राइस इसमें डला हुआ है 700 रुपीज़। तो इस पर भी मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था, और ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। नेक्स्ट है वेट एंड वाइल्ड की कॉन्टोर पैलेट है। तो इसमें आपको हाइलाइटिंग और कॉन्टोर के लिए मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी है ये भी, विगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है ये पैलेट। इसका प्राइस है 600। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो इस पर थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था मुझे, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है ये नायका का ब्लश ब्रश, बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, ये मैंने नायका से मंगाया था। तो इससे मैं कॉन्टोरिंग भी कर लेती हूँ, ऐसे कॉन्टोरिंग भी हो जाती है इससे और ब्लश भी लग जाता है इससे। वैसे ब्लश के लिए मैं एक अलग से ये वाला ब्रश, वेट एंड वाइल्ड का ब्रश यूज़ करती हूँ, लेकिन ये पहले मैं यूज़ करती थी, अब तो मुझे ये छोटू सा लगता है, तो अभी मुझे थोड़ा बड़ा सा ब्रश चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छे से ब्लश लग जाता है, उससे कॉन्टोरिंग भी हो जाती है। और नेक्स्ट है ये नायका की ब्लश पैलेट। तो इसमें ज़्यादा ब्लश नहीं मिलेंगे आपको, 2 ही ब्लश मिलेंगे,
एक पीच कलर में है थोड़ा और एक पिंक कलर में है, काफ़ी अच्छा है। तो मैंने जो आज ब्लश लगाया है वो यही ब्लश लगाया है नायका का। इसमें कोरल और पीच दो कलर हैं और ये है मेलिबू बार्बी का सेड है 03। तो ये मैंने नायका से मंगाई थी, तो काफ़ी अच्छा है ब्लश। आप लेना चाहते हैं तो इसमें जो पीच कलर है ना, आप इसको डेली में भी लगा सकते हैं। कोरल है उसको आप डेली में भी लगा सकते हैं और पार्टी वियर में भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट है जो मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ अभी रिसेंटली, वो है ये केरा सॉफ्ट का मॉइस्चराइजर, काफ़ी अच्छा है। तो अभी वैसे तो मैं न्यूट्रीजना का वो वाटर जेल जो ब्लू कलर का अभी आ रहा है ना वो यूज़ करती हूँ, स्काई ब्लू कलर का। और लेकिन अभी सर्दियों में वो गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा है, तो सर्दियों के लिए मुझे थोड़ा क्रीमी टाइप का मॉइस्चराइजर चाहिए था। तो ये एकदम परफेक्ट है मेरी स्किन के लिए, मेरी ऑयली स्किन है वो सर्दियों में ड्राई हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये क्रीमी टेक्सचर वाला मॉइस्चराइजर मंगवाया है। कभी कभी मुझे पिंपल्स हो जाते हैं एक दो, तो उसके लिए यदि आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो आप ज़रूर ये वाला ट्राई करिए, केरा सॉफ्ट का मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट है ये मेबलिन के, मैंने ये लिटिल मंगवाए हैं, बड़ी बॉटल नहीं है मेरे पास में, तो ये छोटे छोटे हैं। तो इसका सेड है 128 और इसका सेड है 220। मेबलिन का जो प्योर बेज फाउंडेशन है ना वो मेरा सेड है, तो उनके साथ में मैं ये दोनों मिक्स कर लेती हूँ। तो आप ये छोटे छोटे ट्राई कर सकते हैं मेबलिन फिटमी के। तो नेक्स्ट है लैक्मे एब्सोल्युटली ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर, तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका जो टेक्सचर है ना वो वाइट वाइट रहता है, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आपकी स्किन से एकदम अब्सॉर्ब हो जाएगा, बहुत अच्छा है। तो इसको मैं जैसे मुझे एवरीडे मेकअप करना है या फिर पार्टी मेकअप करना है तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा थोड़ा हाई लेवल का मेकअप करना है तो मैं ये इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर यूज़ करती हूँ। ये मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चराइजर भी करता है, ऑयल फ्री है, तो ये काफ़ी अच्छा है। आप कलर बार का भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये दोनों में प्राइमर अभी यूज़ कर रही हूँ, लैक्मे का और इनसाइड का, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एलेगल प्रो कंसीलर, तो एक है रेड और ये है प्योर बेज। तो अभी मुझे कुछ टाइम पहले पिंपल्स हुए थे तो उनके थोड़े बहुत दाग वगैरह रह गए हैं, तो उनको हाइड करने के लिए मैं इन दोनों को मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम रेड अप्लाई करेंगे ना तो फिर रेड को हाइड करने के लिए आपको और अप्लाई करना पड़ेगा लाइट कलर, तो इसलिए इन दोनों को मिक्स मैच कीजिए। और आपके अगर कहीं भी दाग है या डार्कनेस है, यहाँ इस एरिया में थोड़ी डार्कनेस रहती है तो यहाँ पे अप्लाई करिए, तो उससे एकदम ये हाइड हो जाएगी। तो एले प्रो गर्ल के जो कंसीलर है ना काफ़ी अच्छे हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा फेसेस कनाडा का काजल और आईलाइनर। तो आईलाइनर का एप्लीकेटर मैं आपको एक बार बता देती हूँ, काफ़ी अच्छा है, एकदम थिन है, तो काफ़ी हेल्प करता है आपकी विंग्स बनाने में। और मैंने इससे ही लाइनर लगाया हुआ था, तो ये लिक्विड लाइनर है। पेंसिल लाइनर है ना वो आई शेडो के ऊपर उतने अच्छे से दिखता नहीं है, तो इसलिए मुझे ये ही अप्लाई करना पड़ता है। वैसे तो मैं जेल लाइनर यूज़ करती हूँ अगर मैं किसी और पे अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ ना तो जेल लाइनर से मैं अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से मैंने लिक्विड लाइनर ले लिया है। और ये है पेंसिल काजल, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस ये नेक्स्ट जो है एक स्विस ब्यूटी का कंसीलर है और एक मेबलिन का कंसीलर है। तो जैसे मैं कट क्रीज वगैरह बनाती हूँ तो मैं स्विस ब्यूटी का अप्लाई करती हूँ। इसका सेड है 03, इसका प्राइस है 229 रुपीज़। तो ये लाइट कलर में है, तो कट क्रीज में आपको तो या तो आप आईवेयर यूज़ कीजिए या तो फिर लाइट कलर में कंसीलर यूज़ कीजिए, तो उससे काफ़ी अच्छी कट क्रीज बनती है। और ये है मेबलिन का, ये है 10 लाइट शेड है इसका, तो ये आप हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। ये मुझे डिस्काउंट में पड़ा था
220 रुपीस के समथिंग पड़ा था। तो नेक्स्ट है हमारे पास लिपस्टिक, तो ये नायका की लिपस्टिक है और ये लैक्मी 925 लिपस्टिक है। नायका की लिपस्टिक का शेड है वॉक द वॉक, तो ये न्यूड शेड है। ये आपको डेली वेयर में काफ़ी अच्छी है, ये आपको जब अप्लाई करेंगे ना तो ये न्यूड कलर देता है। उतना भी न्यूड नहीं है और ज़्यादा न्यूड भी नहीं है, लेकिन अप्लाई करने पर काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है लिक्विड लिपस्टिक, इसमें ब्रश से आप अप्लाई कीजिए। ये भी न्यूड शेड में है, तो आप डेली वेयर में या ऑफिस में कॉलेज जाते हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक हैं ये दोनों। नेक्स्ट है हमारा ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट और मिस क्लेयर का आई शेडो पैलेट, तो ये दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। जिनका मीडियम स्किन टोन है ना, तो ये थोड़ा ब्राउन की फैमिली में है ये, तो ये वाला ज़रूर लीजिएगा। स्विस ब्यूटी का काफ़ी अफोर्डेबल भी है, तो इसका शेड है 01 और ये मिस क्लेयर की है पार्टी वेयर में। इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं और आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें सिमर शेड भी हैं और इसमें भी सिमर शेड हैं, तो दोनों आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा HD सेटिंग लूज पाउडर वनीला, तो इसका शेड है वनीला और ये काफ़ी अच्छा है। लूज पाउडर अगर आप लेना चाहते हैं ना तो ये ही लीजिएगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसको ही जब भी लूज पाउडर में अप्लाई करना होता है तो मैं ये ही अप्लाई करती हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा मेबलिन का जेल आईलाइनर, तो यदि आप किसी और पे मेकअप कर रहे हैं तो ये जेल लाइनर तो ज़रूर आप लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, इसको अप्लाई करने के बाद इसको लॉक करने के लिए आपको लिक्विड लाइनर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हैं स्विस ब्यूटी के सिमर शेड हैं ये, तो ये लिक्विड अभी कितना चल रहा है लिक्विड आई शेडो, तो इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये ग्लिटरी फॉर्म में है, तो बहुत अच्छा है ये गाइस, आप ये ज़रूर लीजिएगा। अभी जो ग्लिटर वाले चल रहे हैं ना, तो इसको जस्ट आपको अप्लाई करना है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छे से ये चिपक जाता है। इसका शेड है 05 रोज़ गोल्ड रेट्रो, बहुत अमेजिंग है। और एक और ही मैंने मंगवाया था और इसका शेड है 01, तो ये कॉपर में है, कॉपर कलर में है, ये बहुत अच्छा सिमर शेड है ये, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा मिरर दिया गया है अंदर, आप अप्लाई करेंगे ना तो ये मिरर में देख के आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है गाइस, इसका प्राइस है ओनली 249 रुपीज़, तो काफ़ी सस्ता है, तो आप ये ज़रूर ले सकते हैं। स्विस ब्यूटी का काफ़ी अच्छा भी है, मैं इसको अप्लाई करके देखा है, बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है। और गाइस नेक्स्ट है हमारा स्विस ब्यूटी का आईब्रो फिलर, तो इसमें 3 ब्रोस पाउडर है और एक वैक्स क्रीम है और इसमें एप्लीकेटर भी आपको साथ में मिल जाएगा। तो ये देखिए डार्क ब्राउन भी है और लाइट ब्राउन भी है और एक वाइट कलर का वैक्स है, मतलब आईब्रो को सेट करने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है, आप ले सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल भी। स्विस ब्यूटी के जितने भी प्रोडक्ट हैं ना काफ़ी अफोर्डेबल हैं, तो आप इनको ज़रूर ले सकते हैं। गाइस अगर आप लिप बाम लेना चाहते हैं ना, तो ये बॉडी शॉप की लिप बाम बहुत अच्छी है, तो इसका शेड है स्ट्रॉबेरी, तो मैं इसका प्राइस है 300 है, तो इसको काफ़ी लोग रिकमेंड भी करते हैं और बहुत अच्छी। ये देखिए कितनी मैं इसको खाली कर चुकी हूँ, बहुत अच्छी है, आप इसको अप्लाई करेंगे ना बहुत ज़्यादा नरिश हो जाते हैं, मॉइस्चराइज हो जाते हैं आपके लिप्स, और आप जब ट्राई करके देखेंगे ना तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके लिप्स कितने मॉइस्चर हो गए हैं और एकदम अमेजिंग, तो मैं यही अप्लाई करती हूँ। तो गाइस मैं ये प्रोडक्ट लेके थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हुई थी, क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा था और मैंने सोचा कि अच्छा, मतलब अच्छा तो है, नायका का ये आई शेडो ब्रश है, बट प्राइस के हिसाब से इतना कुछ खास नहीं है। मैंने इसको रिटर्न भी करा था, लेकिन वो नायका
तो कोई आया ही नहीं पिक करने के लिए, और फिर उसकी डेट भी चली गई थी रिटर्न की। तो अब देखिए ये कुछ 300 रुपीज का था ये, और मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे ब्रशेस नहीं। सबसे पहले तो मैंने ये मंगाया था, फिर उसके बाद मैंने मिनी सो के मंगाए थे, तो मिनी सो में तो मुझे काफ़ी सारे ब्रश मिल गए थे 800 में इतने सारे, और ये नायका से बस मुझे एक ही ब्रश मिला, वो भी पता नहीं कितने का, 300 कुछ का है। तो मैंने रिटर्न करा और रिटर्न भी नहीं हुआ था, तो इसलिए थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई थी। लेकिन ये ब्रश तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। जैसे आप आउटर कॉर्नर पे करते हैं ना अप्लाई आई शेडो, तो इससे कर सकते हैं। ब्लेंडिंग ब्रश के लिए थोड़ा प्लफी ब्रश चाहिए पड़ता है, तो उतना ही प्लफी नहीं है, थोड़ा स्मॉल ही है इस वजह से। तो गाइस यदि आप ब्यूटी ब्लेंडर लेना चाहते हैं तो ये आप HD ब्रॉन्ज ऑन प्रोफेशनल का ये पिंक कलर का ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हैं। ये 100 रुपीस का है और इसमें प्राइस तो 250 रुपीस डाला है, लेकिन मैंने नायका से लिया था तो मुझे 100 रुपीस में पड़ गया था, डिस्काउंट मिल गया था। तो ये बहुत अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी ये देखने में अभी इतना स्मॉल है, लेकिन आप पानी में डिप करेंगे ना तो ये इसका साइज बिगर हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और बहुत अच्छा है ये भी, आप बिगनर्स हैं तो आप ये ज़रूर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है ये ब्लेंडर। तो मैंने ऑलरेडी आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा अभी प्रोडक्ट लगा हुआ है, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ काफ़ी। तो गाइस यदि आप समर के लिए मेकअप करना चाहते हैं तो ये न्यूट्रीजना की वाटर जेल मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है, और ये लैक्मी पीच मिल्क का भी काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है, दोनों जेल बेस हैं। और ये न्यूट्रीजना की सनस्क्रीन है, तो आप ये हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, विंटर हो चाहे समर हो चाहे रेनी डे हो, तो ये काफ़ी अच्छी, मैं इसको ही अप्लाई करती हूँ। तो ये है अल्ट्रा सी ब्राइट टच सनब्लॉक SPF 15 प्लस सनस्क्रीन, और अल्ट्रा लाइट क्लीन फील है इसका, वाटर रेसिस्टेंट है ये, और डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है ये, तो काफ़ी अच्छी है ये। आपकी ऑयली स्किन है ना तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, मैं इसको ही अप्लाई करती हूँ। तो गाइस आज वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो आपको मेरे प्रोडक्ट जो जो मैं यूज़ करती हूँ मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, काफ़ी अच्छे हैं, अफोर्डेबल भी हैं, तो आप ये ज़रूर लीजिएगा प्रोडक्ट। आप बिगनर्स हैं और आप मेकअप आपको पसंद है और आप मेकअप सीख रहे हैं जो भी है, तो आप ये ले सकते हैं मेकअप प्रोडक्ट। तो गाइस वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय।